हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटोर जेनिक्स। आई एम सैयद राहिल मुजव्वर एंड आई एम बैक विद अनदर एक्साइटिंग लेक्चर अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। वी स्टडीड अबाउट देयर इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ डिस्कशन अबाउट देयर क्लासिफिकेशन एंड देन वी स्टडीड मोनोसैकेराइड्स इन अ डिटेल। सो द रिमेनिंग टॉपिक इज अबाउट ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ओलिगोसैकेराइड्स चंद एक अगर मोनोसैकेराइड के यूनिट्स कंबाइन होकर मिल जाएं तो जो कंपाउंड बनता है उनको ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। सो व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? सो दीज आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। सो हम पहले भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप हैं और ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आपस में कंबाइन करते हैं। तो ये शॉर्ट चेन्स हैं, बहुत बड़ी चेन्स नहीं है, बिकॉज जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स, व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड? ओलिगो मींस फ्यू एंड सैकेराइड्स कम फ्रॉम सैक्रोन। सो दीज आर फ्यू यूनिट्स दैट आर कंबाइंड विद दिस बॉन्ड। और जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ओलिगोसैकेराइड्स दे प्रोड्यूस फ्रॉम 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। हाइड्रोलिसिस मीन्स दैट यू आर एडिंग वाटर टू ब्रेक ओलिगोसैकेराइड इनटू सिंपलर बॉन्ड्स। सो मिनिमम जो ओलिगोसैकेराइड बनता है उसमें 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं और जो मैक्सिमम बनता है उसमें 10 होते हैं। सो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डाइसैकेराइड। एक्चुअली डाइसैकेराइड इज एन एग्जांपल, इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड बट हियर। सो दिस डायग्राम डिपिक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइसैकेराइड and you can see these are 2 hexoses and they are combined with a bond known as covalent bond. So now what are the features? They are less sweet in taste, obviously in comparison to monosaccharides they are less sweet in taste. They are less soluble in water as compared to monosaccharides, and they are classified according to the number of monosaccharide units in them. Obviously if there are 2 monosaccharide units then it is known as disaccharide and their molecular formula is C12H22O11. Obviously the water molecule is being left off, so that's why the number of hydrogen atoms and oxygen atoms are less. If there are 3 monosaccharide units then it is known as trisaccharide. It means it is containing 3 saccharides, hence if there are 4 residues then tetrasaccharides, and hence penta, hexa, hepta and so on. So what are the examples? Obviously we're going to discuss some examples, and that are disaccharides that are very common and they are in our use, so that's why we're going to discuss them. So first one is sucrose. Iska common name hai cane sugar because ye ganne se hasil ki jati hai. Aajkal bada masla bhi chal raha hai hamare mulk mein, aapko pata hi hai. इसके अलावा इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, चीनी ज़ाहिर है उसका आम अल्फाज में इसको चीनी कहते हैं। कंपोजिशन में इसके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, और इसको जो एंजाइम ब्रेक करता है दैट इज़ नोन एज सक्रेज और इन्वर्टेज, एंड दैट इज़ दैट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर दिस एंजाइम इज प्रेजेंट। एंड हियर यू कैन सी अ ग्लूकोज कंबाइंस विद फ्रुक्टोज, बोथ आर हेक्सोसिस but they are combining with each other with the help of a glycosidic bond. So second is maltose. Iska common name hai malt sugar. Composition mein iske 2 glucose units hote hain aur isko break karta hai maltase enzyme, aur ye digestion bhi small intestine mein hi hoti hai, wahan par ye enzyme maujood hai. Jab aage hum digestion padhenge inshallah tab isko discuss karenge. So ye iske example hai. So you can see the 2 glucose molecules are combined together with the help of a ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। थर्ड वन इज लैक्टोज, इसका कॉमन नेम है मिल्क शुगर, और इसमें एक ग्लूकोज है और एक ग्लैक्टोज है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दे आर एपिमर्स टू ईच अदर, बोथ आर हेक्सोसेस। अब एपिमर्स क्या होते हैं इसको हम इधर डिटेल नहीं करेंगे, मैं डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारी बुक में अभी मैंशन नहीं है। और जो एंजाइम इसको ब्रेक करता है दैट इज नोन एज लैक्टेज, और ये डाइजेशन भी कहाँ पर होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। And some people do not have lactase enzyme, so they are regarded as people having lactose intolerance. If these people consume milk or milk products, they are not able to digest them,
और उन्हें उससे इंडाइजेशन हो जाते हैं, फ्लैटोनस गैस वगैरह प्रोड्यूस होती है। और लैक्टोज को कंबाइन करने में जैसे हमने भी पढ़ा, एक गलेक्टोज इन्वॉल्व होता है और दूसरा ग्लूकोज बोथ बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स। सो नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। सो वॉट इज अ रिड्यूसिंग शुगर? अ शुगर दैट इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट मीन्स इट इज एबल टू डोनेट अलेक्ट्रॉन एंड इट विल रिड्यूस एन अदर मॉलिक्यूल, बट एज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन सो इट इटसेल्फ वुड बी ऑक्सीडाइज। सो ये खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे को रिड्यूस कर देगा। और इसके एग्जाम्पल में लैक्टोज, माल्टोज, मोनोसैकेराइड्स, आप अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज कर लें। वॉट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? अ शुगर दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकती, तो आप वो किसी और को रिड्यूस नहीं कर सकती, ना वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकती है। इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड। सो व्हाट आर द टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स? पहला टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन होता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है। अब इसमें ज़ाहिर केमिकल्स हैं, उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल्स के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बेनेडिक्ट सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, फेलिंग सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, इसमें टार्ट्रेट होता है, सिट्रेट होता है और कंपाउंड्स होते हैं और कॉपर होती है इनमें, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। सो जब आप बेनेडिक्ट सोल्यूशन के ड्रॉप्स डालते हैं किसी सोल्यूशन के अंदर, और अगर उस सोल्यूशन के अंदर रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है, तो कलर चेंज आना शुरू हो जाएगा। और वो कलर चेंज रेंज करता है फ्रॉम ब्लू टू ब्रैक ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो अगर ब्लू सोल्यूशन आ रहा है तब भी उसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर है, अगर ग्रीन येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है तब भी रिड्यूसिंग शुगर है, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट आ रहा है तब भी है, और अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आ रहा है तब भी इसके अंदर उस सोल्यूशन के अंदर रिड्यूसिंग शुगर मौजूद। अगर कलर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि उसमें रिड्यूसिंग शुगर मौजूद नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है जो उसके पास फ्री होते हैं टू कॉपर। कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +1 हो जाती है, इसलिए कलर चेंज आ जाता है। इसी तरीके से फेलिंग सोल्यूशन के अंदर होता है। फेलिंग सोल्यूशन अगर आप किसी सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सोल्यूशन है, आपने उसमें फेलिंग सोल्यूशन ऐड किया है, तो अगर वहाँ पर कलर चेंज आ रहा है तो मोस्टली ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आता है, तो इट मीन्स के वो सोल्यूशन रिड्यूसिंग शुगर। अगेन उसमें क्या होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे कॉपर को, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। सुनो, बिग क्वेश्चन इज हाउ डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड। सो इससे पहले कि हम डिटेल पढ़ेंगे, सुक्रोज कैसे बनता है, माल्टोज कैसे बनता है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि दीज आर टू मोनोमर्स, बोथ आर कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। सो दे विल कम टूगेदर एंड दे आर कम्बाइंड एंड देयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप। सो हाइड्रोजन एटम, सॉरी, दे कम्बाइन विद ईच अदर एंड वाटर मॉलिक्यूल इज बींग रिलीज्ड। और दिस रिएक्शन इज नॉट हाइड्रोलिसिस, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रेशन सिंथेसिस, ऑल्सो नोन एज कंडेंसेशन। सो व्हाई इज नोन एज डीहाइड्रेशन सिंथेसिस? बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड and then after its release a molecule will be synthesized, so that's why it is known as dehydration synthesis. So now it is not a monomer, it is a dimer. Now two monomers are combined with the help of a bond. So this is condensation or dehydration synthesis. So now here is how sucrose is formed. Here you can see this is a molecule of glucose and this is a molecule of fructose, both are having hydroxyl groups. So this one is carbon 1 of glucose and this is carbon 2 of fructose, because in fructose this is the carbon 1, this is carbon 1, this is carbon 2, but here in glucose this is carbon 1. So now these two hydroxyl groups are combined with each other and the water molecule is being released, dehydration synthesis takes place. So now molecule of sucrose is formed. So here you can see this is carbon, this is oxygen, this is carbon, that's why glycosidic bond is written as COCO. So this bond is known as 1-2 glycosidic bond, because glucose ke carbon 1 aur fructose ke carbon 2 ke darmiyan bond ban gaya, isko bolte hain 1-2 glycosidic bond. Aur ye 1-2 jo bond hai ye sirf aur sirf sucrose mein maujood hai, baki jitne bhi abhi aap disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides padhenge unme mainly 1-4 glycosidic bond hoga ya kahin pe 1-6 hoga. 1-6 kahan hota hai wo hum discuss karte hain. So ye to tha polysaccharides ke bare mein, ab hum aate hain polysaccharides. Poly means many, like
अगर बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन हो जाएं, और ये कहा जाता है कि अप टिल 20 20 और 20 से ज़्यादा अगर मोनोसेक्राइड्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो पॉलीसेक्राइड के ज़ोन में आता है। दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। दे आर यूजली ब्रांच्ड, टेस्टलेस एंड स्प्रैंगली सॉलेबल इन वाटर। अगर अगर आप जनरली बात करें, यूजली बात करें, तो दे आर इन सॉलेबल। स्प्रैंगली सॉलेबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज अमाइलोज है, दैट इज़ सॉलेबल इन हॉट वाटर। और ऑब्वियसली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये सारे पॉलीसेक्राइड बनते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है, सेलुलोज है, डेक्सट्रिन है जो स्टार्च के ब्रेक डाउन से बनता है, एगर है जो एलजी में मौजूद होता है, पैक्टिन प्लांट की सेल वॉल में होता है, काइटन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में होता है, और काइटन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। सो सबसे पहले स्टार्च। स्टार्च का सोर्स क्या है जी? दीज आर प्रेजेंट इन फ्रूट, ग्रेन, सीड्स एंड ट्यूबर्स ऑफ जो प्लांट्स खाते हैं, बिकॉज प्लांट अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इट विल यील्ड ग्लूकोज, एंड ये आयोडीन टेस्ट के साथ ब्लू कलर देता है। अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, सोल्यूशन में, और उसमें ब्लू कलर आता है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च है। अगर ब्लू कलर नहीं आता तो उसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च मौजूद नहीं है। और इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स फॉर एनिमल्स। ज़ाहिर है एनिमल्स जब प्लांट्स को इनटेक करते हैं तो उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, प्लांट के सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दैट इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स अल्फा माइलेजेस, और फिर वो ग्लूकोज के सोर्स के तौर पर यूज होते हैं। अब स्टार्च की दो टाइप्स हैं, दो फॉर्म्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और उनका इधर कंपेरिजन गिवन है। अमाइलोज इज अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, जैसे आप इधर देख सकते हैं ये अनब्रांच्ड है, जबकि अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। हेयर यू कैन सी दिस इज अ मेन चेन, और ये उसके साथ ब्रांचिंग हो रही है। इट इज़ सॉलेबल इन हॉट वाटर, अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉलेबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। इसकी एक रीज़न ये है कि अमाइलोज चूँकि अनब्रांच्ड है तो ये हेलिकल शेप बनाती है, और इसमें इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इसमें स्पेसेस बन जाती हैं और ये वाटर को अलाउ करता है पेनिट्रेट करने के लिए, जबकि अमाइलोपेक्टिन में ऐसा नहीं होता। और इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6। अब आप देखें ये दो ग्लूकोज के सबयूनिट्स हैं, इस ग्लूकोज का ये कार्बन 1 है, इस ग्लूकोज का ये कार्बन 4 है, इन दोनों के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको 1,4 लिंकेज बोल रहे हैं। इस तरीके से इस ग्लूकोज का ये कार्बन 1 है, इस ग्लूकोज के कार्बन 4 है, तो इनके दरमियान क्या बन रहा है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दीज आर अल्फा सबयूनिट्स। अब ये अल्फा सबयूनिट क्या होता है कि अगर ये कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन इसके नीचे है तो ये अल्फा कार्बन है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन रिवर्स हो जाए, इस कार्बन के ऊपर चली जाए, तब वो बीटा कहलाता है। अब इसमें अमाइलोपेक्टिन में देखेंगे मेन चेन में 1,4 है, लेकिन जहाँ ब्रांच लग रही है वहाँ 1,6 है। अब आप देखें ये ब्रांच लग रही है, तो ये इस सब यूनिट का कार्बन 6 है, और ये जो ब्रांचिंग के लिए ग्लूकोज आ रहा है इसका कार्बन 1 है, इनके दरमियान जो बॉन्ड हो रहा है वो 1,6 कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो सेकंड ग्लूकोज का सब यूनिट आएगा तो उनमें 1,6 नहीं होगी, उस इनकमिंग ग्लूकोज के कार्बन 1 और इस प्रेजेंट ग्लूकोज के कार्बन 4 के दरमियान बॉन्ड होगा, वो 1,4 ही कहलाएगा। अब यहाँ पे बेशक आप 2,000 सबयूनिट अटैच कर लें तो ये 1,4 बॉन्ड ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1,6 कब आता है? जब मेन चेन चल रही है और उसके ऊपर ब्रांचिंग करनी होती है, तो मेन चेन और उस पहले रेजिड्यू में जो बॉन्ड होगा वो 1,6 कहलाता है। तो ये ज़रूर याद रखें कि जो सुक्रोज है उसमें 1,2 है, बाकी सब के अंदर 1,4 है, और 1,6 इसमें जिसमें ब्रांचिंग आती है, जैसे अमाइलोपेक्टिन है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोजन है। सो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नेम्ड एज एनिमल स्टार्च। जैसे प्लांट्स अपनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, इसी तरह एनिमल्स जब आप खाना खाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जब हम लोग डाइट लेंगे, इनटेक करेंगे ग्लूकोज, तो कुछ ग्लूकोज फॉरन से यूज हो जाएगा, कुछ कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और कुछ जो है वो फिर फैट्स में कन्वर्ट होता है। वैसे तो ग्लाइकोजन हर एक सेल में मौजूद है, लेकिन ज़्यादा अबंडेंस किस में है? इसके लीवर और मसल्स में। ये वाटर में इनसॉल्युबल है, और ये आयोडीन के साथ रेड कलर प्रोवाइड करता है, और इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये ग्लूकोज ही प्रोड्यूस करता है। थर्ड वन इज़ ये सेलुलोज, आप देख सकते हैं कॉटन लगा हुआ है, बिकॉज कॉटन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये प्लांट की सेल वॉल में मौजूद है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, इसकी भी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ग्लूकोज सबयूनिट्स प्रोड्यूस करता है। डाइजेशन जो है वो इसकी हर्बीवोर्स कर सकते हैं, ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं करते। एक तो इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है ज़ाहरा,
अच्छा, शुरू के अंदर ये था कि ह्यूमंस जो थे वो सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स थे, तो वो सेलुलोज को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते थे। उससे ग्लूकोज के दो सोर्स थे, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च को तो अपनी बॉडी का एंजाइम ब्रेक कर लेता था, कर सकता था, लेकिन सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए अलहदा से एंजाइम चाहिए होता है, सेलोलेज। बिकॉज सेलुलोज के अंदर बीटा सब यूनिट्स होते हैं, तो अल्फा माइलेज इनको ब्रेक नहीं कर सकता। तो सेलोलेज जो है वो ह्यूमन खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ह्यूमन्स ने रखा हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन्स के अपेंडिक्स पे रिजाइड करते थे, वो सेलुलेज प्रोड्यूस करते थे। ह्यूमन सेलुलेज की मदद से सेलुलोज को ब्रेक करके ग्लूकोज हासिल करते थे। फिर जैसे जैसे ह्यूमन की नाइकी चेंज होगी, उसका रोल हैबिटेट में चेंज हुआ, और ह्यूमन्स ने एनिमल्स को इंटेक करना शुरू कर दिया, उनको खाना शुरू कर दिया, अब ग्लूकोज के दो सोर्सेज हो गए, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो सेलुलोज को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टार्च और ग्लाइकोजन को बॉडी के अपने एंजाइम्स इजीली ब्रेक कर सकते थे। तो इसलिए फिर जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो गया। वो जो कहा जाता है कि अपेंडिक्स का रोल नहीं है बॉडी में, वो एक्चुअली डाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। वैसे तो अपेंडिक्स का रोल है लिम्फेटिक सिस्टम में और इम्यूनिटी बनाने में। तो ये जो हर्बीवोर्स हैं, दे आर एबल टू ब्रेक द सेलुलोज, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस एंजाइम नोन एज सेलुलेज। और ये आयोडीन के साथ कोई कलर चेंज नहीं आता, यानी कि इनका अपना कलर रहता है, ये कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करता। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि जब शुगर को, डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेस्ट नहीं आए थे, तो यूरिन और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल, जो बढ़े हुए लेवल को टेस्ट करने के लिए फेलिंग टेस्ट किया जाता था। अच्छा, सेकंड कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, जैसे कि लूटिनाइजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन। लूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल रिप्रोडक्शन में, थायरोट्रोपिन का मेटाबॉलिज्म में। ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, और इनकी सर्कुलेटरी हाफ लाइफ होती है, और इसको इन्फ्लुएंस करता है ओलिगोसैकेराइड मोइटीज़। ठीक है जी, तो इट मींस कि इन ओलिगोसैकेराइड मोइटीज़ की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। अब हम पढ़ते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर इन ओलिगोसैकेराइड मोइटीज़ को बनाने वाले एंजाइम्स बाय बर्थ ही ना हो, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट हो जाए, तो उन फीमेल्स के अंदर ये हॉर्मोन्स प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, और वो जो फीमेल्स हैं दे फेल टू अंडरगो द सेक्शुअल चेंजेस ऑफ द बॉडी। यानी इन ओलिगोसैकेराइड मोइटीज़ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि लैक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पेक्टिन। सो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा लैक्टोज इज अ ओलिगोसैकेराइड, कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ग्लाइकोजन वैक्स मानोसैकेराइड सेलुलोज। द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैकेराइड टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऑब्वियसली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वॉट आर ओलिगोसैकेराइड्स, आप डिफाइन करेंगे, शॉर्ट चेन्स हैं मोनोसैकेराइड्स की, जो कि कंबाइन हो जाती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं उसके अंदर, डिफाइन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डिफाइन कर दें मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स, और इसको ड्रॉ कर दें तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर ड्रॉ करें। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर फूड होती है, ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा होगा तो वो प्लांट उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगा, एनिमल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन टेस्ट के साथ, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है, यही दो बहुत काफ़ी हैं। फिर अगेन क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्वेश्चंस आप सर्च करें कि पहला क्वेश्चन है, विच एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो अभी तो आपने वो एंजाइम्स पढ़े जो डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सुक्रोज को कौन सा एंजाइम बनाता है, माल्टोज को कौन सा एंजाइम बनाता है, लैक्टोज को कौन सा एंजाइम बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, वो मैंने खुद ही आंसर नहीं किया उसका, आपने पढ़ा है अभी कि स्टार्च ब्लू कलर देता है और ग्लाइकोजन रेड कलर देता है। तो क्वेश्चन यही है कि वाई स्टार्च एंड ग्लाइकोजन गिव डिफरेंट कलर्स विद आयोडीन टेस्ट। लगे आयोडीन तो सेम कंपाउंड है, सेम केमिकल है, तो एक ही केमिकल के साथ ये मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफरेंट टेस्ट क्यों दे रहे हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स क्यों देते हैं। फिर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जी, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर, ये अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर आपको आना चाहिए, इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम एलजी, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद मोलेकुलर फार्मूला ऑफ ट्राइसैकेराइड फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ थ्री ट्राइओज सब यूनिट्स, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको पेपर पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मुझे खुशी होगी अगर आप इसको आंसर करें। फोर्थ है जी, इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ग्लाइकोजन, कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ग्लाइकोजन से रिलेटेड नहीं है। अगेन क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।
इंशाल्लाह आपसे फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।